दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और डेली क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज तारीख हो चुकी है 5 मार्च 2023 और इस वीडियो में हम रोजाना की तरह बात करने वाले हैं क्रिकेट जगत से जुड़ी सभी टॉप खबरों की, जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वुमेन आईपीएल 2023 में आज होने वाले डबल हेडर महामुकाबले और आईपीएल 2023 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर हमें क्रिकेट से जुड़े हुए काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले अपडेट्स आज की तारीख में देखने को मिले हैं और इस वीडियो में हम इन सभी अपडेट्स को वन बाय वन पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप सभी लोग क्रिकेट से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट पूरे इंटरनेट पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट हम बात करते हैं दिन भर की क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरों की। तो पहली और सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर, जहां पर 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के 3 टेस्ट महामुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। तीनों महामुकाबले तीसरे दिन समाप्त हुए, जहां पर फिलहाल इस सीरीज के रिजल्ट में टीम इंडिया ने 2-1 से अजेय लीड हासिल कर रखी है। इस सीरीज का चौथा व अंतिम टेस्ट महामुकाबला हमें 9 मार्च से 13 मार्च के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये महामुकाबला होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस महामुकाबले की शुरुआत से पहले आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बीसीसीआई ऑफिशियल्स की तरफ से 2-3 बड़ी बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। चलिए बात कर लेते हैं सभी अपडेट्स की। तो फर्स्ट अपडेट निकल कर आ रहा है अहमदाबाद की पिच रिपोर्ट को लेकर, जहां पर भाई आप सभी को बताया कि पिछले तीनों टेस्ट महामुकाबले में तीसरे दिन समाप्त होते हुए नजर आए, जिसके चलते तीनों स्टेडियम्स की पिच को यहां पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था। ऐसे में यहां पर बीसीसीआई अब थोड़ा सा और ज्यादा अलर्ट में आ चुकी थी और बीसीसीआई ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पिच क्यूरेटर है उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी, जहां पर एक अलग तरीके की पिच तैयार की जाएगी सीमस के लिए। ये जो पिच है थोड़ी सी हेल्पफुल यहां पर होने वाली है, ज्यादा स्पिनर फ्रेंडली नहीं होगी, जिसके चलते भाई सभी को ऐसी एक्सपेक्टेशंस है कि 4th डे 5th डे तक टेस्ट मैच जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे यहां पर पिच का फर्स्ट लुक रिवील होता है तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने चैनल पर ही देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम को लेकर, जहां पर आप सभी को पता है कि 3rd टेस्ट महामुकाबले के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम ने अपने कप्तान का बदलाव कर दिया था, जहां पर पैट कमिंस कुछ पर्सनल रीजंस के चलते इस सीरीज के 3rd टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। स्टीव स्मिथ को टीम का कप्तान बनाया गया था, लेकिन दोस्तों अब यह कंफर्म हो चुका कि 4th टेस्ट महामुकाबले के लिए भी पैट कमिंस अवेलेबल नहीं होंगे। ऐसे में यहां पर स्टीव स्मिथ हमें 4th टेस्ट महामुकाबले में भी ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की। तो अपडेट निकल कर आ रहा है WTC के सिनेरियो को लेकर, जहां पर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 4th टेस्ट महामुकाबले में टीम इंडिया जीत दर्ज कर लेती है तो ऐसे में हमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के दी ओवल के स्टेडियम पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के सेकंड एडिशन का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर टीम इंडिया हार जाते तो सिनेरियो पूरी तरह से न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच होने वाली सीरीज पर डिपेंड हो जाएगा, जहां पर अगर श्रीलंकन टीम 2-0 से जीत दर्ज कर लेगी तो भाई श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमें WTC फाइनल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर उस सीरीज में यहां पर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमें WTC का फाइनल महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। आईपीएल के आगाज से पहले आरसीबी की टीम को लेकर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जहां पर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा ग्लेन मैक्सवेल जो पिछले काफी लंबे टाइम से इंजर्ड थे वो फाइनली अपनी इंजरी से रिकवर हो चुके हैं और फाइनली वो अब टीम में कमबैक करने के लिए जा रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली ODI सीरीज के लिए भी उनको आपके ऑस्ट्रेलियन टीम के स्क्वाड्स में शामिल किया गया है और खुद उन्होंने यह भी कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2023 के लिए वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को अपने फर्स्ट महामुकाबले से ही सेवाएं देते हुए अवेलेबल नजर आने वाले, जिसके चलते आरसीबी फैंस यहां पर फिलहाल काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की। तो खबर निकल कर आ रही है WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2023 को लेकर, जहां पर भाई फाइनली टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। कल काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा, ओपनिंग सेरेमनी भी हुई। ओपनिंग सेरेमनी में काफी सारे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हमें देखने को मिले, जिनको हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दिया था। फर्स्ट मैच में मुंबई इंडियंस की टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस
अनाउंसमेंट्स किया, लेकिन दोस्तों आज होने वाला है WPL का डबल हेडर, जहां पर पहले महामुकाबले में आमने सामने होने वाली आपकी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम, वही दूसरे महामुकाबले में यूपी वॉरियर्स और आपकी यहां पर गुजरात जायंट्स, ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दो महामुकाबले आज खेले जाएंगे और भाई जैसे यहां पर फर्दर अपडेट्स हमें सभी महामुकाबलों के रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं तो अपडेट आपको सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग की टीम को लेकर। जी हां, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, जब से हमें बेन स्टोक्स की तरफ से एक अपडेट देखने को मिला था कि भाई बेन स्टोक्स मिड ऑफ आईपीएल में आपकी सीएसके का साथ छोड़ सकते हैं, उसके बाद भाई जो माहौल था थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया था, हर तरह की अलग अलग तरह की खबरें हमें इंटरनेट पर देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों कल यहां पर चेन्नई सुपर किंग के मैनेजमेंट ने बेन स्टोक्स के ऊपर अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट को रिवील किया है, जहां पर भाई उन्होंने ऐसा बोला कि हमें यहां पर पूरा विश्वास है और भाई हमें यहां पर मतलब पूरी यहां पर मतलब बेन स्टोक्स एक्सपेक्टेशन है कि भाई पूरे के पूरे सीजन के लिए वो यहां पर अवेलेबल रहेंगे। हालांकि आपको बताना चाहूंगा कि बेन स्टोक्स ने भी ऐसा बोल दिया है कि यदि वो पूरी तरह से फिट रहते हैं तो आईपीएल के लिए अवेलेबल रहेंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा बोला था कि भाई अंतिम महामुकाबले में जिस वक्त पर आपके यहां पर नॉकआउट्स या मतलब आपके यहां पर प्लेऑफ्स होने वाली है उस टाइम पर वो अनअवेलेबल हो सकते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा टेंशन का माहौल सीएसके के मैनेजमेंट में जरूर है। लेकिन दोस्तों अभी फिलहाल जो अपडेट उसके बाद अभी तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि बेन स्टोक्स पूरे के पूरे सीजन के लिए अवेलेबल रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, तो खबर निकल कर आ रही है राजस्थान रॉयल्स की टीम को लेकर। जी हां, फाइनली आईपीएल 2023 के लिए आपकी राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने कैंप की शुरुआत कर दी है, जहां पर फाइनली आज से ट्रेनिंग सेशंस की शुरुआत होने के लिए जा रही है। 5 तारीख से 10 तारीख के बीच हमें गुवाहाटी में इस टीम के ट्रेनिंग सेशंस देखने को मिलेंगे, उसके बाद यहां पर वेन्यू को बदल दिया जाएगा और वही फाइनली मतलब जो आपकी लास्ट टीम थी राजस्थान रॉयल्स की टीम थी, इन्होंने भी अपने ट्रेनिंग सेशंस की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों ये है आज 5 मार्च 2023 क्रिकेट से जुड़ी सभी टॉप खबरें, इन सभी खबरों का आपके ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की छोटे बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके ट्रेंड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।